गाजी न्यूज चैनल सबसे पहले देश और समाज की ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन के राष्ट्रीय सलाहकार मौलाना हैदर अली साहब संचालन करते हुए ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन के पश्चिमी राष्ट्रीय महासचिव अल्लाह नूर आजाद साहब संबोधित करते हुए ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन के प्रोग्राम में तैयब मैरिज हॉल ऐशबाग लखनऊ में आप लोग उनको सुने। रुबीना की स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान में आप जो है ये देखिए या भाई संघ के साथ रखकर के इस काम को पूरा किया। साथियों पहले भी जब आपने वहाँ पर हमारी मेजोरिटी देखी, आपने राजस्थान के अंदर हमारा उसूल देखा है, जहाँ पर गद्दी भाई रहते थे वहाँ से हमने एक एमएलए को जिता करके भेज दिया, जबकि वहाँ पर गद्दियों ये सही है कि आज बिरादरी में ये तो जरूरी है, जैसा कि मौलाना ने कहा कि शिक्षा की कमी है, हमें शिक्षा कम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज अगर इम्तिहान के लिए लेने के लिए मैं इस पूरी महफिल में ये पूछूं कि वो आदमी हाथ ऊंचा करे जिसके घर से कोई भी बच्चा, कोई भी भाई, बुजुर्ग और उसका जो पोता नवासा कोई भी स्कूल नहीं गया हो, ऐसा आदमी हाथ खड़ा कर दे तो कोई भी आदमी अपना हाथ खड़ा नहीं कर सके। क्यों? घर घर से तालीम के लिए आदमी जा रहा है। तालीम एक ऐसी चीज है जो छोटे से बढ़कर के चली जाता है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल हाई एजुकेशन चल रही है। हाई एजुकेशन के अंदर चलना आसान खेल नहीं है, हाई एजुकेशन के अंदर पढ़ना छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है। पढ़ाई 3-4 तरह की होती है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक स्कूल चलता है जिसमें 750 बच्चे पढ़ते हैं और मुझे एजुकेशन के मामले में ऐसी सारी हकीकत है। होता क्या है कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ने वाला होता है तो बाप की हैसियत पढ़ाने वाली नहीं होती, और जिस बाप की हैसियत पढ़ाने वाली होती है तो वो बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता है, और जहाँ पर बाप भी पढ़ाने वाला होता है, बच्चा भी पढ़ने वाला होता है, तो घर का माहौल सही नहीं होता है। तो जब तक माहौल सही नहीं होगा तब तक एजुकेशन हमारे यहाँ पर सही पड़ेगा। आज हमारा माहौल जो है, हमारा माहौल भी कुछ बिगड़ा हुआ है। आज हमारा जो है जैसे कि कई बुराइयाँ ऐसी हैं हमें जिनका बच्चे नहीं करना चाहता, लेकिन वो बुराइयाँ भी चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है आज फरमाया, तो उन्होंने कहा था कि फरमाया तुम मुस्लिम सारे आपस में भाई भाई हो, मिलजुल के रहो, मिलजुल के रहो, मंजूर सारे मुसलमानों को मिलजुल करके रहना चाहिए। उसके बाद में कहा था कि फरमाया जब तक कौम कोई खुद आप नहीं होती तो तकदीर इलाही भी उसके अंदाज से खून नहीं होती। साथियों जिस तरह से आज ये हम मीटिंग रख करके गद्दियों को उठाने की बात कर रहे हैं, गद्दियों के कानूनों की बात कर रहे हैं, कई रिवाज गद्दियों में ऐसे थे जो मिटाए गए, राजस्थान में ऐसे ऐसे वो थे रिवाज जिनको हमने अपनी जो पंचायत बुला बुला करके मिटाए, ये सारी चीज़ें लेकर के उसके बाद में हमने कई ऐसे काम किए जैसे कि एजुकेशन सोसाइटी बनाई। एक एजुकेशन सोसाइटी ऐसी बनाई जिसमें हर साल बच्चों को प्राइज दिया जाता था। डॉक्टर मुमताज जो हमारे यहाँ के सवाई माधोपुर के एक मोजिस गद्दी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने एक सोसाइटी बनाई और सोसाइटी बना करके सब बच्चों को प्राइज देने का काम किया। जिस दिन मुझे मंच पर खड़ा करके बोलने के लिए कहा तो मैंने कहा कि आज बहुत खुशी है कि हम एक ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं, मगर दुख भी है। लोगों ने कहा आजाद साहब जब इतनी बढ़िया सोसाइटी बन रही है तो ये तो बताइए कि दुख किस बात का है। मैंने कहा वो पीछे बैठा हुआ मेरा जो जवान साथी जिस दिन इस मंच पर आकर के बैठेगा उस दिन ये कौम उठ जाएगी। जब तक जवान लोग
आगे नहीं बढ़ोगे तब तक कौन पीछे रहेगी। इसलिए मैं जवानों को एडवाइस करता हूँ कि वो जवान भी आगे बढ़ने का काम करें। और इन्हीं के साथ में मैं आपका ज्यादा टाइम लेते हुए जहाँ का अवध अंदाज है मशरक़ और मग़रिब में तेरे दौर का आगाज है। आए हुए थे और किताब को बहुत अच्छे अंदाज में रद्द कर रहे थे। वक्त की दिल्लत है इसलिए प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। उसे जो अदालत आज आ रहे हैं जो दावत नहीं कराई वो मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात पेश करें। मेरी गुजारिश है इसरार अली साथ लकीम के तशरीफ लाए हैं, उसमें गुजारिश है तशरीफ लाए और मुतद लफ्जों की बात पेश करें। इसरार अली साहब गाजी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको हमेशा न्यूज़ मिलती रहे।